नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सामने दिया नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दीजिए हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से भारत आर्थिक संकट में चल रही है। इसके लिए SBI ने अपने कस्टमर के लिए इमरजेंसी लोन देने के लिए सोचा है। तो आप भी SBI के कस्टमर है तो आप SBI से 5,000 से 5 लाख तक के लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है और बैंक में जाकर आपको अप्लाई करने का भी जरूरत नहीं। लोन लेने के लिए आपको एक स्मार्टफोन और आपके अकाउंट नंबर की ज़रूरत है। तो लोन लेने के लिए आपको पहले एलिजिबिलिटी चेक करना है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो कैसे आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको उसमें से आपको एक SMS करना होगा। तो SMS कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो SMS के लिए आप SMS बॉक्स ओपन कर लीजिए। इसमें जाके आपको कॉर्नर में जो प्लस का बटन है वहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना होगा 567676 और यहाँ पर लिखना होगा आपको SMS में PAPL स्पेस के जो अकाउंट नंबर है लास्ट का 4 डिजिट जो अकाउंट नंबर है उसको आप यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मेरा अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और इसको मैं सेंड कर रहा हूँ। तो मेरा जो अकाउंट नंबर है मैं टाइप कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपका जो सिम है वह उसको सिलेक्ट कर लिया और उसका सिम से आप SMS कीजिए। तो मैं सेंड कर दिया हूँ। तो ऐसे ही आप SMS कीजिए। SMS करने के बाद में आपको एक SMS मिलेगा जिसमें आपका एलिजिबिलिटी दिया होगा। तो आप एलिजिबल हो गए। तो इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में आपको योनो SBI ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हो तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको पहले से ही यूनो ऐप्स के यूज़र है तो आप सिंपल से लॉगिन कर लीजिएगा और जो नया है वो रजिस्टर कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप न्यू टू SBI एग्जिस्टिंग कस्टमर आई हैव द एक्टिवेट कोड, तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर में आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको लॉगिन यूजर इंटरनेट बैंकिंग ID रजिस्ट्रेशन विथ ATM कार्ड और रजिस्ट्रेशन विथ अकाउंट डिटेल्स, तो आपको तीन में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद में आपको आपके मैं ATM कार्ड दे दो। यहाँ पर आपको एंटर योर बैंक डिटेल्स टू जनरेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड, एंटर CIF नंबर एंड एंटर अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपको आपके अकाउंट का CIF नंबर और आपकी अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप करके आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में आपके पास एक OTP आएगा। OTP आने के बाद में आपको यहाँ पर आपके पूरा डिटेल्स शो कर देगा। तो यहाँ पर आपको आपके जो ATM कार्ड की जो नंबर है उसको टाइप करके यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लेना है। इसके बाद में आपको लोन अप्लाई करना है। तो हमारे इस वीडियो को आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और जो हमारे चैनल में आप पहले बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।